अभी भी लाल पीले हरे नीले होकर घूम रहे हैं या रंग छूटा? सुप्रभात। तो कैसी थी आप सबकी होली? मजेदार? अभी भी लाल पीले हरे नीले होकर घूम रहे हैं या रंग छूटा? मेरे तो कई दोस्त अभी भी गुलाबी रंग हो रखे हैं। गुलाबी वाले फिर भी ठीक लग रहे हैं, हरे वालों की हालत खराब है। मेहनत भी तो नहीं करते छुड़ाने में। अगर अभी आपके भी चेहरे पे नीला पीला रंग लगा है तो दही और बेसन लगा कर देखिए, शायद आपको मदद मिलेगी। मेरी होली थोड़ी सादी सादी थी, बस थोड़ा सा गुलाल, क्योंकि मुझे बचाना था अपनी आंखों को। हाँ, इस वजह से मैं दूर से ही होली निहार रही थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने होली में। फास्ट फॉरवर्ड में मैंने खाना बनाया, बहुत सादा खाना, सिंपल सा, क्योंकि मुझे शाम को दीदी के घर जाना था। शाम को हम जाते ना अपने बड़ों के पैर पे गुलाल डाल के आशीर्वाद लेने, बस उसके लिए मैं निकल पड़ी अपनी दीदी के यहाँ। हैप्पी होली किया और भर भर कर खाना खाया और मैं आ गई। बस इतना ही। मेरा मन कर रहा है काश मैं आप लोगों की होली देख पाऊं, ऐसे ही छत पर बैठी रहूं और सबके घर में घुस घुस कर देखूं क्या हो रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये होली जो है ना, फास्ट फॉरवर्ड में बीता है मेरा, क्योंकि कल मेरे लिए खास है और खास दिन हो तो तैयारी करनी पड़ती है ना। तो बस अब मैं करूंगी तैयारी कल की। कल मैं पुणे जा रही हूँ, किसी से मिलना है इसलिए। पर इस बार थोड़ी जर्नी अलग होगी, मैं कार से नहीं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने वाली हूँ। बहुत समय हो गया है यार, मैंने कभी भी बस यात्रा अपनी दोहराई नहीं है। जब मैं यहाँ आई थी मुंबई, तब गई थी अपने फ्रेंड के साथ पुणे, लेकिन किसी के साथ। आज मैं अकेली जाऊंगी। घर से निकलना हो तो पहले पौधों को पानी पिलाना, घर को ठीक से पैक करना, ये सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी छूट भी जाते हैं। पर आज कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि पहले से ही मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। मुझे लग रहा था कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं बिल्कुल समय से कुछ ज्यादा ही पहले निकल रही हूं। खाली भैया? यूं अकेले यात्रा मैंने कब किया था अभी मुझे याद नहीं, शायद वर्षों हो गए। पर पेट में गुदगुदी हो रही थी, कहीं छूट ना जाऊं इस डर से समय से बहुत पहले पहुंच गई। सोचा समय कैसे काटूं, पर अचानक इस भैया पर नजर पड़ी, जो एक एक करके अपनी मौसम्बी को ऐसे सजा रहे थे जैसे उनका कोई खजाना हो। और ये खजाना मेरे आंखों में बस गया। मैं कभी बस की तरफ देखती तो कभी इनकी मौसम्बी की तरफ। मेरी बस एक ही इच्छा थी, बस आने के पहले इनका पूरा ठेला सजता हुआ देख लूं। वाकई में हर बस पे लगता कि यही मेरी बस है, पर थैंकफुली बस आने में अभी देरी थी। भैया का आधा ठेला सज चुका था। मुझे ऐसा लगा, ओहो, इसीलिए तो ठेले पर अगर हाथ लगाओ तो भैया चपत लगाकर हाथ पर कहते हैं, लेना है तो लीजिए, कतार ना बिगाड़िए। ये कैसे होता है यार, बस आई और बंदी आई और चल दी। कुछ लोग कितने समय पर होते हैं ना, मेरी बात ही अलग है। लो जी, मेरी बात से मेरी बस आ गई। बस में मैं सेट होकर के भी पूरी तरीके से अपना ध्यान
मौसम्बी वाले भैया से हटा नहीं पाई थी। मेरी बस आगे तो बढ़ गई पर मेरा मन पीछे ही था। बहुत खूबसूरत सुबह। इस सुबह मैं यही सोच रही थी कि लोगों की कितनी सारी कहानियां चल रही हैं। पैरेलली मेरी कहानी के साथ साथ अनगिनत कहानियां। इस बस में जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी अपनी कहानियां। सभी मुंबई टू पुणे जा रहे हैं लेकिन पर्पस और डेस्टिनेशन सबके अलग अलग। देखो ना, इस रास्ते में कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए। वही नजारा, वही खूबसूरती, बस खिड़की बदल गई है। कभी कार से देखती थी, आज बस की खिड़की से देख रही हूं। पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी पर वहां समय से पहुंच गई। किसी से मिलना था, मुलाकात किया, थोड़ी सी पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई किया और बस दिन यूं ही गुजर गया। समय आ गया फिर से वापसी का। रात की बस थी, मैंने बस बुक किया और इंतजार किया फिर अपने बस का। अब मेरा डर बहुत कम हो गया था। वैसे सच कहूं तो डरने वाली कोई बात भी नहीं, बस में इतने लोग जो साथ में होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यही मजा है, सबके साथ बैठ करके भी आप अकेले होते हैं और अकेले का डर नहीं होता क्योंकि सबके साथ होते हैं। पहुंच गई जी मुंबई। ये अनुभव बहुत अलग था, साधारण पर असाधारण। वर्षों बाद जो ये मजा ले रहे थे और ये मजा मैं बार बार लेना चाहूंगी। मैं पुणे से मुंबई पहुंची सुबह 3:30 बजे या शायद 4:15 बजे। लोग मॉर्निंग वॉक की तैयारी और सुबह जागने की तैयारी कर रहे थे और मैं सोने की। हर किसी के जीवन अपने अपने स्पीड से चल रहे हैं। खूबसूरत जिंदगी। एक और दिन ऐसे खत्म हुआ मेरा। और आपका? हमें लिखिएगा, इंतजार रहता है मुझे।